देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। तस्वीरां लुधियाना दे जिला अदालती कंपलैक्स दियां ने इत्थे एक धमाके ने पूरे पंजाब नूं हिला दित्ता सी। इह धमाका 23 दसंबर नूं अदालत दी दूजी मंजिल ते एक वाशरूम दे विच दुपहर बाद होया सी। एक शख्स दी मौत होई जदों कि 5 फट्टड़ होए सन। तस्वीरां ने खुद बयान कीता कि धमाका किन्ना खतरनाक सी। कंधां टुट गईयां सन जदों कि छत्तां वी डिग गईयां सन। जिधर भी देखा गया मलबा ही मलबा दिसिया। इमारत दे बाहर हेठां तक मलबा खिलरिया होया सी। नतीजा बाहर खड़े वाहनां नूं भी नुकसान पहुंचिया सी। लुधियाना कोट बम धमाके च मारे गए शख्स की पहचान दे नाल ही ब्लास्ट दी साजिश बेनकाब होनी शुरू हुई सी। सब तो पहला मृतक दी बांह उपर पुलिस नू एक टैटू मिलिया। पुलिस नू जांच दौरान धमाके वाली थां तो टुट्टिया होया मोबाइल, सिम कार्ड, कपड़े मिले सन, जिस तो बाद पता लग गया कि मृतक शख्स गगनदीप सिंह है। गगनदीप सिंह खन्ना दा रहण वाला सी। सिम डोंगल दे नाल उसकी पछाण हुई। पंजाब पुलिस चो बर्खास्त किया गया सी। खन्ना दे सदर थाने दे वेच मुंशी वजो तैनात सी। 2019 दे वेच एनडीपीएस एक्ट तहत केस भी दर्ज होया सी। नशा तस्करी मामले दे वेच 2 साल दी सजा भी कट्टी हुई सी। 8 सितंबर 2021 नूं ही जमानत ते बाहर आया सी। The Ludhiana blast was a very powerful blast. We were all wondering ki ki gal hai ki kyun utthe jaake inna powerful blast, what is the reason behind it. The main thing it turned out finally, mauke te sanu kafi utthe leads mile ne. I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. Jaiza karke sanu eh lagya ki jehda deceased hai, he was carrying the explosive. But that was an initial assessment. Jivein jivein saadi investigation agge vaddi gayi, सानू यकीन हो गया कि यस दैट वॉज द करेक्ट पिक्चर व्हाट एक्चुअली हैपेंड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज विद इन 24 आवर्स वी कुड ट्रेस द मेन अक्यूज्ड। 24 दिसंबर नू गगनदीप दी लुधियाना कोर्ट दे विच सुनवाई सी। शायद गगनदीप रिकॉर्ड रूम नू उड़ाना चाहुंदा सी। गगनदीप चाहुंदा सी कि उस दे केस दी सुनवाई टल जाए। ए सब क्या सराइयां ने। गगनदीप दे अजिहे कई साथी ने जिन्हां खिलाफ नशे दा परचा दर्ज सी। 25 दिसंबर नू डीजीपी ने कहा सी कि धमाके दे तार पाकिस्तान नाल जुड़े हो सकदे ने। ही टर्नड आउट टू बी अ डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल ऑफ पंजाब पुलिस who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019. Us vele a thana sadar da munshi hunda si. 385 gram heroin ede kolo milya। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕ 3/2/2022 ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਚ। It is expected that most probably jail de vich ede jinna naal talmel hoya, he transitioned from just narcotics to mafia to drugs. Now this is a very dangerous combination jehda samne saade aaya. This is going to be a very major challenge for us.
जदों ये साफ होया कि मृतक ही मुलजम सी अते मृतक दी पछाण मगरों पुलिस ने जांच अगे वधाई। पुलिस इस केस दे विच कड़ियां दर कड़ियां जोड़ रही है। कई लोग हिरासत दे विच ले गए ने, पुछगिछ हो रही है, कईआं नूं प्रोडक्शन रंट ते लियांदा गया। नतीजा हुण जर्मनी दे विच जसविंदर सिंह मुल्तानी नाम दे शख्स नूं फड़िया गया। पंजाब दे विच तमाके दी कोई पहली घटना नहीं है। जलंधर दे मकसूदा पुलिस थाने दे विच 14 सितंबर 2018 नूं कई तमाके हुए सन। हालांकि जानी नुकसान उदों कोई नहीं होया। 18 नवंबर 2018 नूं राजा सांसी दे पिंड अदलीवाल दे विच निरंकारी भवन च ग्रेनेड सुट्टिया गया सी। इस तमाके दे विच 3 लोकां दी मौत हो गई। साल 2017 दीआं विधानसभा चोणां दौरान मौड़ च वी बंब धमाका होया सी। जनवरी 2017 नूं होए इस तमाके दे विच 7 लोकां दी मौत होई सी। हुण जदों मुड़ सूबे दे विच विधानसभा चोणां सिर ते ने, अजिहे दे विच इस तमाके ने कानून व्यवस्था उपर सवाल चुक दित्ते ने। ABP Sancha, Josh Jasper, Juno.